देश इस दुनिया में कई हजार प्रकार के जीव जंतु रहते हैं, पर सब में देखिए एक बात बहुत ही कॉमन है, सब अपने ही जैसे जीव को जन्म देते हैं। लेकिन दोस्तों, सभी जीव का जन्म देने का तरीका देखिए काफी अलग होता है। आज मैं आपको कुछ ऐसे रेयर एनिमल्स को अपने बच्चों को जन्म देते हुए दिखाऊंगा, जिनको देख के आपको मजा आ जाएगा, क्योंकि ऐसी वीडियो शायद ही आपने पहले कभी देखी होगी। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक ही चीज कहूंगा, इस वीडियो को प्लीज एंड तक देखिएगा, ठीक है? इस वीडियो में आपको बहुत मजा आने वाला है, सो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। नंबर वन, जिराफ। दोस्तों, इसके बारे में तो आप जानते ही हैं, जिराफ के बारे में आपने हो सकता है देखा भी हो। ये एक ऐसा एनिमल है भाई जिसके बारे में सभी जानते हैं, लेकिन दोस्तों उससे भी रेयर है जिराफ के बच्चे को जन्म लेते हुए देखना। दोस्तों, जिराफ के लिए जन्म देना काफी मुश्किल होता है, क्योंकि उनकी हाइट काफी ज्यादा होती है और बच्चे को पैदा होते हुए बहुत बड़ा फॉल सर्वाइव करना पड़ता है। इसलिए बेबी जिराफ डिलीवरी में तो बच जाते हैं, लेकिन अक्सर इतने ऊंचे से गिरने की वजह से वो अपनी हड्डियां तोड़वा लेते हैं, और ये वाकई में बहुत ही ज्यादा सैड है। आप जानते हैं, कई बार वो मर भी जाते हैं। जी हाँ, एक जिराफ के बच्चे को जन्म देने में दोस्तों करीब 40 से 60 मिनट लगते हैं। बेबी जिराफ पैदा होते ही 63 किलोग्राम के आसपास का होता है, और पैदा होते ही उन्हें 2 मीटर यानी 6.5 फीट जितनी ऊंचाई से गिर के बचना पड़ता है। दोस्तों, बेबी जिराफ को जन्म देना दुनिया में 6th सबसे रिस्की बर्थ है। नंबर 2, एलिफेंट। दोस्तों, जिराफ के बाद दूसरे नंबर पे बात करेंगे हम एलिफेंट की। दोस्तों, एलिफेंट के बारे में एक बहुत ही ज्यादा फैसिनेटिंग फैक्ट है, वो ये है कि अगर एलिफेंट का बच्चा डे टाइम में बाहर आ रहा है तो हथनी अपनी ही प्रेगनेंसी को कुछ घंटे स्किप कर देगी, क्योंकि हथनी अक्सर बच्चे को जन्म देती है रात के टाइम पे। इसकी वजह किसी को नहीं पता, लेकिन एक रिसर्च में यही बात सामने आई है। और दोस्तों, हथनी अपने बच्चे को पेट में करीब 22 महीने रखती है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, हम इंसानों के लिए दोस्तों 9 मंथ्स ही बहुत ही मुश्किल होते हैं। सोचिए इन एलिफेंट्स के बारे में, जो कि 22 महीने तक बेबी एलिफेंट को पेट में रखते हैं। और जब दोस्तों बेबी एलिफेंट का जन्म होता है, तब उसका वजन होता है लगभग 250 पाउंड यानी कि 113 किलोग्राम। और बेबी एलिफेंट एक प्लास्टिक थैली टाइप के मेम्ब्रेन में बॉर्न होता है, फिर कुछ घंटों के बाद चलने लगता है। नंबर 3, स्टिंगरे। दोस्तों, मैं आपको एक ऐसे एनिमल की बात बताने वाला हूँ जो किसी एलियन ग्रह का जीव लगता है। जी हाँ, हम बात करें दोस्तों स्टिंगरे की। ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक जीव है और बहुत ही जहरीला भी है। ये वीडियो दोस्तों फ्लोरिडा के एक मछुआरे ने बनाई, जब उसने देखा कि एक स्टिंगरे बच्चों को जन्म नहीं दे पा रही थी, तो उस मछुआरे ने उस स्टिंगरे की मदद की। आप देख सकते हैं कैसे स्टिंगरे जन्म देती है। ये थोड़ा अजीब है, लेकिन वाकई में बहुत कमाल है, दिखने में बिल्कुल किसी साइंस फिक्शन मूवी की तरह दिखता है। दोस्तों, इस मछुआरे ने फिर उन बच्चों को पानी में डाल दिया और कुछ लोग घबरा गए, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, जन्म के बाद वैसे भी स्टिंगरे और उसके बच्चे अलग अलग हो जाते हैं, यानी पैदा होते ही खाना पीना बच्चे सब कुछ अपने दम पे करते हैं। जी हाँ, पैदा होते ही अपने पैर पे खड़े हो जाते हैं। आप देख सकते हैं ऊपर वाले की कुदरत कमाल की है। नंबर 4, कंगारू। दोस्तों, बात करें सबसे ज्यादा यूनिक तरीके से बच्चे को जन्म देने की, तो भाई इनका नाम लेना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। जैसे कि बाकी जानवर दोस्तों 10-20 महीने लगाते हैं, वहीं बेबी कंगारू का जन्म मीटिंग करने के बाद बस 32 दिनों में ही हो जाता है। दोस्तों, जब कंगारू का जन्म होता है तो वो बस एक चावल के दाने जितना होता है। जी हाँ, 1 ग्राम का। बच्चे को जन्म देने में कंगारू को दोस्तों बिल्कुल भी दर्द नहीं होता, क्योंकि फीमेल कंगारू के कोख से बस एक चावल के दाने जितना जानवर ही बाहर निकलता है। कंगारू जब जन्म लेता है तो वो बस आधा विकसित हुआ होता है, फिर वो जाके फीमेल कंगारू के स्तन से चिपक जाता है और वहीं से पोषण लेता है, और फिर 3 हफ्ते बाद बेबी कंगारू पूरा बड़ा हो जाता है और बाहर की दुनिया देखने के लिए वो तैयार हो जाता है। यानी कि कंगारू का बच्चा सिर्फ 2 महीने के अंदर ही पैदा हो जाता है। नंबर 5, टाइगर। दोस्तों, ये बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव होते हैं और बहुत ही डेंजरस होते हैं। टाइगर के बारे में मैं क्या ही कहूँ, आप सब जानते ही हैं। दोस्तों, जब बात करते हैं भाई फीमेल टाइगर की, तो जब वो जन्म देने वाली होती है तो बाकी किसी जानवर की तरह वो बाकी लोगों के साथ नहीं रहती, बल्कि वो सबसे दूर दूर रहती है। और तो और, जब इनका बच्चा पैदा होने वाला होता है तो ये किसी दूसरे जानवर की तरह अटेंशन नहीं मांगती, वो खुद ही अपनी जगह ढूंढती है और खुद ही अपने बच्चे को जन्म देती है और अपने झुंड से दूर चली जाती है। इसलिए फीमेल टाइगर को दोस्तों वॉरियर कहा जाता है, क्योंकि अक्सर ये बस एक ही बच्चे को जन्म नहीं देती, ये मोस्टली 2 बच्चों को जन्म देती है, वो भी अकेले में, और फिर कुछ दिनों तक उन्हें इस कंडीशन में पालती भी है, क्योंकि 2 बच्चों को जन्म देने के बाद वो चलने की हालत में नहीं होते, वो बहुत अच्छे से ख्याल रखती है, भले ही जानवर क्यों ना हो पर माँ तो माँ है। नंबर 6, सील। दोस्तों, जरा आप इस एनिमल को देखें, इसे देख के ऐसा लगता है जैसे कि ये जानवर किसको जन्म कहां से दे सकता है। अगर आपको दोस्तों सूझ नहीं रहा, तो भाई मैं आपको जानकारी के लिए बताना चाहूंगा, ये जन्म देते हैं अपनी पूंछ से। जी हाँ, इस जानवर के लिए जन्म देना देखिए काफी ज्यादा पेनफुल होता है, क्योंकि ये अक्सर बहुत ही थोड़ी सी जगह में रहते हैं। ये नॉर्मली बच्चों को जन्म देते हैं फरवरी से लेकर जुलाई के बीच में। इनके बच्चे पैदा होते हैं फुली डेवलप, यानी कि भाई ये पैदा होते ही तुरंत बाद खाने पीने लगते हैं,
और पैदा होने के बस एक घंटे बाद पानी में तैर भी सकते हैं। दोस्तों अगर देखा जाए तो इसका और इसकी माँ का रिश्ता उतना अच्छा नहीं रहता, क्योंकि पैदा होने के बाद कई बार ऐसा देखा गया है कि अगर सील को उनका बच्चा अच्छा नहीं लगता तो वो सील बच्चा पैदा करने के तुरंत बाद ही उसको छोड़ के चली जाती है, और कई बार शिकारी इनके बच्चों को पकड़ लेते हैं बेचने के लिए। नंबर 7, डॉग्स। दोस्तों इनको इंसानों का सबसे अच्छा दोस्त कहा जाता है और डॉग सबसे ज्यादा भरोसेमंद जानवर भी होते हैं। दोस्तों प्रेगनेंसी के टाइम ये काफी बदल जाते हैं। जिन लोगों ने डॉग्स को पाला है उन्हें पता है कि प्रेगनेंसी शुरू होने से थोड़े पहले ये डॉग बड़े लेजी हो जाते हैं और काफी बदल भी जाते हैं, क्योंकि उनको अपनी फ्यूचर जनरेशन बहुत ज्यादा पसंद होती है। डॉग्स अपने बच्चों को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, ठीक उतना ही जितना एक महिला अपने बच्चे से करती है, और इसलिए दोस्तों डॉग्स कितने भी लॉयल क्यों ना हो, लेकिन प्रेगनेंसी के टाइम पे अगर आप ज्यादा आवाज करेंगे या अगर आपके डॉग को खतरा फील होगा तो वो हमला करने से पहले दूसरी बार नहीं सोचेगी। इनके काफी सारे बच्चे एक साथ पैदा होते हैं दोस्तों। एक फीमेल डॉग 6 से लेकर 15 बच्चों को जन्म दे सकती है, जी हाँ, और हर एक बच्चे का वजन सेम ही होता है, लगभग 450 ग्राम। नंबर 8, ज़ेब्रा। भाई ये भी बड़े कमाल के होते हैं, ये जानवर हमेशा झुंड में रहते हैं क्योंकि ये जानवर बहुत ही डरपोक किस्म के होते हैं। दोस्तों जब बच्चे के जन्म का टाइम होता है तो इन जानवरों में अचानक ही बहुत सारी हिम्मत आ जाती है। जी हाँ, जैसे ये खतरा महसूस करते हैं ना तो ये बिना किसी जानवर की परवाह करे वहाँ से भाग निकलते हैं। लेकिन दोस्तों प्रेगनेंसी के दौरान अगर कोई भी खतरा हो तो ये लोग एक साथ आके बच्चे और माँ को बचाने की कोशिश भी करते हैं जो बाकी के ज़ेब्रास होते हैं, और बाकी जानवरों को भगाने की कोशिश करते हैं। इनके झुंड में दोस्तों कोई भी लीडर नहीं होता है, लेकिन फिर भी प्रेगनेंसी के टाइम पे एक ना एक मेल ज़ेब्रा फीमेल ज़ेब्रा के पास खड़ा ही रहता है। बेबी ज़ेब्रा पैदा होने के बाद करीब करीब दोस्तों 25 से 40 किलो के बीच का होता है, और पैदा होने के 15 मिनट बाद ही ये अपना पहला कदम उठाते हैं, और करीब आधे घंटे बाद ज़ेब्रा चलने लगते हैं, जी हाँ, और झुंड भी चलना शुरू कर देता है। लेकिन दोस्तों जब तक बच्चा 1 महीने का ना हो जाए तब तक वो बड़े आराम आराम से चलते हैं। आप सोचिए इन जानवरों में कितनी अक्ल होती है। नंबर 9, डॉल्फिन्स। दोस्तों बहुत ही नॉटी होती है और साथ में यार बड़ी प्यारी होती है, हर कोई इसे बहुत ज्यादा पसंद करता है। ये काफी कमाल की होती है, पानी में जो स्टंट्स करते हैं ना वो शायद ही भाई कोई दूसरा जानवर कर पाए, और डॉल्फिन दोस्तों काफी ज्यादा इंटेलिजेंट भी होती है। लेकिन दोस्तों प्रेगनेंसी में डॉल्फिन्स अपनी ये ट्रिक्स अपनी ये स्किल्स को खो देती हैं, क्योंकि पेट में बच्चा होने की वजह से ये मछली ज्यादा हैंडल नहीं पाती, क्योंकि इनका पेट जो होता है वो पेन करता है, और नेचर में जब ये प्रेग्नेंट होती है तो उस टाइम भाई इनकी जो स्पीड होती है तैरने की वो भी स्लो हो जाती है, और इस वजह से इनका झुंड भी स्लो ही चलता है। दोस्तों इन जानवरों में प्रेगनेंसी 12 महीनों तक चलती है। ये जानवर जब प्रेगनेंसी के लास्ट मंथ में होते हैं तो ये ज्यादा दूर ट्रेवल नहीं करते, और जहाँ भी ये जाते हैं वहाँ कुछ दिनों के लिए रुक जाते हैं। ये अपने बच्चों को पानी के अंदर ही जन्म देती है, और वो भी पानी में सांस लेना और पानी में तैरना सीख लेता है। नंबर 10, रोडियर। दोस्तों ये जानवर भी काफी ज्यादा फैसिनेटिंग है। ये जानवर बच्चों को अपने पेट में करीब 11 महीने के लिए रखते हैं, और बच्चे के जन्म से करीब 1 महीने पहले ये पूरी तैयारियां शुरू कर देते हैं, क्योंकि ये जानवर एक काफी अजीब चीज को फॉलो करते हैं दोस्तों। ये जानवर अपने बच्चों को वहीं पे एरिया के आसपास जन्म देते हैं जहां उनका जन्म हुआ होता है, और इसलिए 1 महीने पहले से वो वहीं की जर्नी शुरू कर देते हैं।